आपका शुभ नाम बताएंगे, आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम सुरेश उरांग है, असम में तो उरांग लिखा जाता है। तो बताइए और के सब बढ़िया है ना? हाँ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग इधर कुड़ुक भाषा और कुड़ुक लोगों को एकजुट करने के लिए हम लोग कुड़ुक स्टूडेंट यूनियन भी बनाए हैं अभी असम में। हम लोग इधर में कुड़ुक जनगोष्ठी छात्र संघ नाम से संगठन बनाए हैं। उस छात्र संगठन से स्टूडेंट्स का कल्याण हो रहा है कि समाज का हो रहा है कि कुड़ुक भाषा का हो रहा है? हम लोग का लक्ष्य है कुड़ुक भाषा को बारे में जागृत करना लोगों को, हाँ, और कुड़ुक लोगों को एकत्रित करना। और कुड़ुक लोक संस्कृति है, जैसे कि नववर्ष, खद्दी त्योहार, करम त्योहार, हाँ, इसमें जो हमारा कुड़ुक भाषा में जो गीत नृत्य होता है, हाँ, ये सब के बारे में हमारे लोगों को जागृत करना और हमारे लोगों को मतलब इस पर ज्यादा से ज्यादा मंच देना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एक संगठित होकर के काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। यूनिटी में बल है कहते हैं ना? हाँ वो नहीं, वही तो एकता जब तक नहीं होगा तब तक भाषा भी नहीं बचेगा, समाज भी नहीं बचेगा और संस्कृति भी नहीं बचेगा। और जहाँ तक भाषा जो है ना, यही तो हम लोगों का एक तरह से मुख्य पहचान है कहिए, बाकी चीज तो। हाँ भाषा देखिए, अब जो कुड़ुक भाषा, कुड़ुक आदमी, मुंडारी भाषा, मुंडा आदमी, संताली भाषा, संताली आदमी, बोडो भाषा, बोडो आदमी, कार्बी भाषा, कार्बी आदमी, नेपाली भाषा, नेपाली आदमी, बंगाली भाषा, बंगाली आदमी, आदमी का हर आदमी का नाम होता है, वो नाम उस भाषा से आता है। सही बात है, आपने तो कई भाषा का नाम गिना दिया। लेकिन हमको बड़ा बहुत आश्चर्य लगता है जबकि हमारी लोग जब अपने आप को कुड़ुक कह करके, वो अपने आप को उरांव कहता है, कोई भगत कहता है, कोई ढांगड़ कहता है, कोई किसान कहता है, कोई आदिवासी कहता है, तो बड़ा दुख होता है। हर आदमी अपने आप को भाषा से जोड़कर अपना नाम, अपना पहचान देता है, लेकिन हमारे लोगों को क्या तकलीफ है अपने आप को कुड़ुक कहने में और कुड़ुक अपने आप पहचान देने में। वो आपने आपको कुड़ुक कहे क्योंकि कुड़ुक का सृष्टि हुआ धरती में और कुड़ुक का बच्चा हम सब लोग है। बंगाली लोग बंगाली कहलाता है, तमिल लोग तमिल कहलाता है, मलयाली मलयाली कहलाता है, तो हम भी कुड़ुक लोग हैं तो कुड़ुक कहलाए है ना, ये कहना कुड़ुक कहलाना चाहिए हमें। लिखने में चाहे जो भी लिखे, कोई कुजूर लिखे, कोई लकड़ा लिखे, कोई टोपो लिखे, कोई उराव लिखे, कोई उरांग लिखे, कोई भगत लिखे, कोई किसान लिखे, कोई ढांगड़ लिखे, कोई महतो लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन वो अपने आप को कुड़ुक कहे। बढ़िया, आपने एकदम अच्छा सजेशन दिया। और हम एक बात देख रहे हैं, यूट्यूब में हमारे कुड़ुक लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है। पूजा पाठ में हो, चाहे नित गीत में हो, लेकिन अपने आप को कुड़ुक नहीं कहता है, लोग कहता है हम आदिवासी लोग। अरे भाई, हम लोग कुड़ुक लोग कहने में क्या तकलीफ है? अब कुड़ुक भाषा में अब सरना भजन कहे चाहे और कुछ भी करे, अब भजन विनती प्रार्थना करे, अब कुड़ुक भाषा में कर रहे हैं, अब कुड़ुक कहने कही अपने आप को। अब हमारे देखिए, एक आदिवासी कहते हैं लोग, तो आदिवासी तो संताल भी है। हाँ, संताल भी आदिवासी है, मुंडा भी आदिवासी। संताल अपने आप को संताली सिर्फ कहता है। हाँ, संताली लोग इस मायने में ना, भाषा के क्षेत्र में और संताली अपने आइडेंटिफिकेशन के मामले में वो लोग बहुत आगे है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, हम पहले कुड़ुक है, कुड़ुक के बाद कोई कोई भगत है, तो कोई किसान है, तो कोई ठांगड़ है, तो कोई खलखो है। हाँ, ये आदिवासी कहलाने और कहने के चक्कर में हमारा जो मेन आइडेंटिफिकेशन है कुड़ुक या कुड़ुखर, वो गुम हो रहा है, वो गुम हो रहा है, वो गुम हो रहा है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग को कहीं भी कोई भी पूछता है तो लिखना है, बात करना है, तो हम आपस में भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ कुड़ुखर बोलना चाहिए या कुड़ुक बोलना चाहिए? कुड़ुक।
है ना, उसमें तो सब मिलाकर हम लोग आदिवासी तो है ही पूरे इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं। तो ठीक है आदिवासी, आप अपने आप को आदिवासी कहना चाहता है तो आदिवासी के नाम से अभी देश के जितना भी ट्राइबल है सबको आदिवासी कहा जाता है। ट्राइबल एफेयर मिनिस्ट्री को ही आदिवासी मंत्रालय कहा जाता है। तो आदिवासी कहने से हर आदिवासी के अपना अपना अलग अलग नाम है, अपना अपना भाषा है, अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना परंपरा है। आदिवासी एक व्यापक शब्द हो गया जिसमें व्यापक शब्द हो गया जो पूरे इंडिया के जो ट्राइब्स हैं, बल्कि इंडिया के बाहर वर्ल्ड लेवल में भी जो इंडिजिनियस पीपल है, है ना, इन सभी को मिलाकर आदिवासी एक शब्द है, वो बहुत बड़ा चीज है। मेरे विचार से इस विषय पर जैसे कि भाषा का कलम आता है तो भाषा कलम में अपने मातृभाषा का नाम कुरुक लिखाओ, मुंडारे वाला मुंडारे लिखाओ, संथाली वाला संथाल लिखाओ, और धर्म का जब कलम आता है तो धर्म में तो किसी के धर्म का नाम है नहीं। अभी हमारे कुछ लोग सरना लिखा है और सरना कहता है, अब वो अब कलम में कोई लिखता है तो उसमें भी मेरा मुझे कोई इतराज नहीं है। वो अगले 2011 का जो लो जनगणना में आया था हम देखे थे तो जिसमें सरना धर्म का नाम लिखा है लोग 50 लाख करीब, और आदि धर्म का नाम लिखा है आपको 1,80,000 के करीब, और बहुत से लोग तो अपना समुदाय का ही नाम लिख दिया, उराव मुंडा गोंडी इसी प्रकार से बहुत से नाम अपना समुदाय का ही लिख दिया गया है, है ना। तो इसलिए मेरे विचार से अब हमारे लोग कुछ लोग अगर सरना लिखता है तो लिखे, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी कलम को ले धर्म कलम को लेकर के हमारे लोग जितना मतलब अपना दिमाग खटा रहा है अपने मातृभाषा को लेकर के इतना चिंता नहीं है किसी को। मातृभाषा के लिए तो मैं भी देखता हूँ कि बहुत निरस लोगों में है और उतना रुचि नहीं है जितना कि अन्य चीजों के लिए, राजनीति के लिए या तो आपका धर्म कोड के लिए है, लोग कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कहीं पर धरने पे बैठ रहे हैं, तो ये भाषा के लिए उतना नहीं है। भाषा के लिए जितना भाषा ही शिक्षा देगा, भाषा ही मतलब रोजी और रोटी देगा, भाषा से ही एक समुदाय का आगे बढ़ने के एक सीढ़ी होता है भाषा। भाषा ही दर्पण है, भाषा ही दर्शन है। बहुत बढ़िया, आप बहुत सारे बातों को आपने बताया। आदिवासी नहीं कहलाना चाहिए, आदिवासी से पहले हम पुरुखर लोग हैं। पुरुख है, अगर हम आदिवासी भी कहे तो हम पुरुख आदिवासी कहे तो सही होगा, पुरुख है। और सबसे ज्यादा हमें अपनी भाषा पर जोर देना चाहिए, इस बात को भी आपने काफी बल दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका ये विचार सुन करके। बेक जी, आप वहाँ पर जो संगठन वगैरह है, असम में कई संगठन है, तो आप इस सामाजिक की गतिविधियों में भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई संगठन के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं? हमारे यहाँ में 1961 में आपको कार्तिक उराव जी आए थे, और उस टाइम असम प्रदेश कुड़ुक उराव संघ नामक एक संगठन बना था। उसके बाद 2003 में निखिल कुड़ुक उराव साहित्य सभा बना, तो हम कुड़ुक उराव संघ में भी पदवी में रहा, उसके बाद कुड़ुक साहित्य सभा में भी हम पदवी में रहा, उस सबसे अब रिटायर हो गया, और अभी हम लोग कुड़ुक स्टूडेंट यूनियन का गठन किया है और इसी को संचालन करने में हम लगे हुए हैं। 2007 में कुड़ुक लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, तो वहां पर हम गए थे। अच्छा, और वहाँ पर भी हम मांग रखे थे जे ऑल ओवर इंडिया को ले में एक कुड़ुक स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, और कुड़ुक स्टूडेंट यूनियन अपने भाषा को दावी डिमांड के लिए पूरे कुड़ुक समाज को नेतृत्व करना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी हम कुड़ुक स्टूडेंट यूनियन का वो क्या कहते हैं एडवाइजर है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, तो इसीलिए आपको इन सारे सामाजिक बारीकियों से आपको पता है कि आप इसमें जुड़े हुए हैं।
तो अभी देखिए, अभी हमारे बिश्नाथ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक खद्दी पर्व को भी सामूहिक रूप से मनाते हैं जिला स्तर पर। उसके बाद करम डांस कॉम्पिटिशन, हम लोग पूरा जिला स्तर पर हम लोग 10 साल से हम लोग चला रहे हैं सिर्फ कुड़ुख में। करम डांस कॉम्पिटिशन, उसके साथ साथ 21 फरवरी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के शुभ अवसर पर कुड़ुख मातृभाषा दिवस हम लोग आज 3 साल से मना रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग असम में मैं देखता हूँ काफी लोग वहाँ एक्टिव रहते हैं, अपने समुदाय के प्रति लोगों में काफी जागरूकता है, देखता हूँ वहाँ काफी सम्मेलन वगैरह होता रहता है। प्रकृति में जैसे कि धरती को माता कहा जाता है तो सूर्य को भगवान कहा जाता है, इसलिए वो जो आत्मा को हम लोग मुर्गी पूजा करता है और परमात्मा का हम लोग मुर्गा पूजा किया जाता है। आज भी है हमारे आसाम में जितना भी गांव है, जितना भी बगान है, हर गांव में आपको वो मिट्टी के लड्डू मिलेगा, तरनाथल मिलेगा। तरनाथल में वो 3 गो मिट्टी के लड्डू या 5 गो मिट्टी के लड्डू या 7 गो मिट्टी के लड्डू आपको मिलेगा, मतलब सीधे प्रकृति माने कोई कोई प्रतिरूप नहीं, कोई फोटो नहीं, सीधे प्रकृति मिट्टी को। देखिए अब तो प्रकृति, अब देखिए जैसे कि पंच तत्व है ना, हेलो सुन, पंच तत्व हुआ सूर्य, पंच तत्व सूरज हुआ, चांद हुआ, हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधा और जीव जंतु, ये 7 गो हुआ नहीं, साथ ही सत्य है, साथ ही शक्ति है, इसी को हम लोग भक्ति करते हैं। सात शक्ति कहीं भक्ति हम लोग को किया जाता है, हम लोग करते हैं बस। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप जो हमारा पुरातन जो धार्मिक मान्यता है और हमारे पूर्वजों का जो प्रचलन में था उस चीज को आपने ताजा किया है ना, बहुत अच्छा लगा आपने। अरे भाई ये तो हमारा पूर्वजों को दिया हुआ चीज है ना, हम थोड़े किए हैं सब। और कोई विशेष कोई मुद्दे कोई बात हो तो आप बताइए। मेरा सिर्फ फिक्र इतना है कि अगला 21 में जो जनगणना होगा उस पर भाषा कलम में अपने अपना मातृभाषा का नाम दर्ज कराए, वो जाने तो भी दर्ज कराया, ना जाने तो भी दर्ज कराया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, कुछ लोग कहता है हम तो जानते नहीं। अरे भाई जानने से क्या होगा, मतलब अगला जनगणना में, अगला जनगणना में कुछ भाषा का उसमें नाम दर्ज कराना है ना, ना होगा, जिसको जो भाषा बोलता है वो भी दर्ज कराए और जो नहीं बोलता है वो भी दर्ज कराए, क्योंकि वो संविधानिक अधिकार है। ये भारत सरकार के पास अभी 38 भाषा की डिमांड है। अच्छा, तो ये भारत में 38 भाषा का डिमांड है भारत सरकार के पास, जिसका संख्या ज्यादा होगा उसको ही सरकार महत्व ज्यादा देगा। तो हमें भी वो संख्या दिखाना है, आप लिखेंगे नहीं तो दिखेगा। हाँ, संख्या दिखा रहे यार, हम लोग गुरुख है तो गुरुख लिखने में क्या तकलीफ है भाई। तो चलिए ये भी आपने, गुरुख है तो गुरुख लिखने में क्या तकलीफ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। और उम्मीद करता हूँ कि जो आपका ये बात सुन रहे हैं गुरुख वर्ल्ड चैनल में, वो लोग इस पर विचार करेंगे और हमारे बड़े लोग जो हमारे सामाजिक अगुआ लोग हैं वो लोग भी आपकी बातों पर गौर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये धर्म शर्म के चक्कर में पड़ने से बजाय अपने भाषा के लिए आप एकजुट हो, अपने भाषा की आवाज उठाए और धर्म अपने कलम में जिसको जो लिखना है वो लिखते जाए। वो कलम क्या बोलता है सिगरेट, उसके लिए क्या गुड मिले ना मिले उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। धर्म सबका है, वो सब लोग कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, बस वही हमारा धर्म है। तो और अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कुड़ुख वर्ल्ड चैनल के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक है या श्रोता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? मैं तो पूरे देश भर के कुड़ुखवासी लोगों को, कुड़ुख लोगों को अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, अपने मातृभाषा का नाम लोग जनगणना में जरूर से जरूर दर्ज कराए, उसके बाद धर्म चाहे कोई आदि
दर्ज कराए, कोई सरना दर्ज कराए, कोई हिंदू दर्ज कराए, कोई क्रिश्चियन कराए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ लेना देना है तो कुरुख, क्योंकि मेरे विचार से कुरुख ही ये धरती में सृष्टि हुआ था, वो हमारे सबका माता है, उसका रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी है। वो कोई भी हमसे जुड़ा हो उसे कोई मतलब नहीं है। तो सुरेश बेग जी, आपने बहुत सार गर्भित बात आपने बताई और बहुत अच्छा हमारे उड़ाव लोगों को आपने सजेशन दिया है, सुझाव दिया है और बहुत बारीक बातों को आपने यहाँ रखा है। उम्मीद करता हूँ कि इससे जो सुन रहे हैं उनको फायदा होगा और इस पर वो लोग विचार करेंगे। आपने कीमती समय दिया और मेरे पास फोन कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक जो है, देखने वाला, सुनने वाला हमारे गुरु भाई बहन है, सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस विषय पर जरूर चिंतन मंथन करेंगे और